हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं कार में ड्राइव करते हुए, क्योंकि निकल लिए हैं हम एडमिट कार्ड लेने के लिए, जा रहे हैं कॉलेज। और कैसा एडमिट कार्ड, कैसा कॉलेज, ये अभी आप लोग सोच रहे होंगे, क्योंकि अभी तो हम पेपर दे कर आए हैं BBD से। तो बताएंगे सब आप लोगों को कि कहाँ जा रहे हैं और कौन सा ये पेपर है, किस चीज़ का है, कैसा कॉलेज है, कैसे मैं ये सब कर रहा हूँ। फिलहाल अभी निकल लिए हैं और कॉलेज पहुंचते हैं और फिर आप लोगों को हम दिखाते हैं कि कैसा कॉलेज है, किस चीज़ का कॉलेज है। तो बस रास्ते में चल रहे हैं और आज भी मौसम काफ़ी अच्छा है, आजमगढ़ का काफ़ी खूबसूरत है, आप लोग भी देख सकते हैं। कल का भी, पिछले दो वीडियो भी आप देखे होंगे कि एक दीदी का बर्थडे था और दूसरा गाँव वाला, वो एक ही दिन का था। और ये आज 30 तारीख है और 30 तारीख को ही ये है, हम लोग जा रहे हैं कॉलेज पे। मौसम काफ़ी खूबसूरत हुआ पड़ा है, इसलिए कोई दिक्कत है नहीं। और वैसे भी अब तो धूप के यहाँ इशू है नहीं, क्योंकि कार है, लखनऊ में बाइक थी तो थोड़ा दिक्कत होती थी। तो फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं लालगंज साइड, और ये जो हाईवे आप देख रहे हैं ये है बनारस, मतलब आजमगढ़ से बनारस जाने वाला यही हाईवे है। और आगे जाके काफ़ी जगहों पर ये जाता है, उतना नॉलेज तो है नहीं, तो ये सही। और हमारे साथ हमारे दोस्त करण भी है साथ में, दोनों लोग जा रहे हैं। तो अभी कॉलेज पहुंच चुके हैं हम लोग, जिस कॉलेज जाना था। तो ये है पूरा कॉलेज और अभी चलते हैं अंदर, फिर बताते हैं आपको सब कुछ एडमिट कार्ड लेने के बाद। कॉलेज पहुंच गए हैं और जा रहे हैं ऑफिस में, एडमिट कार्ड वगैरह लेंगे और कल से पेपर है, देखते हैं एडमिट कार्ड का क्या प्रोसेस है, कैसे मिलता है, क्या होता है। अब ऑफिस से निकलने के बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं एडमिट कार्ड के साथ। तो अभी एडमिट कार्ड मिल गया है और अभी एडमिट कार्ड वगैरह लेके आए हैं, अब निकलेंगे घर के लिए और कल से पेपर है, तो देखते हैं क्या होता है, कैसा होता है पेपर और किस चीज़ का पेपर, ये मैं बताता हूँ आप लोगों को, कहीं पे रुकता हूँ। अभी निकल लिए हैं कॉलेज से हम लोग घर की तरफ और कल से पेपर है। मौसम काफ़ी अच्छा, हल्की फुल्की बारिश वगैरह होती रह रही है। कॉलेज का सेंटर भी साला पड़ा है हम लोगों का घर से करीब करीब 35-40 किलोमीटर दूर है, तो देखते हैं ऐसे मौसम में कैसे आना जाना होता है। गुड मॉर्निंग, आज एक दूसरे दिन की शुरुआत हो रही है और पिछला दिन और ये दिन दोनों मिला के ही वीडियो आएगी। आज पेपर है हमारा फार्मेसी का, तो अभी जाएंगे देने। उसके पहले थोड़ा विंध्याचल का प्रसाद था, वो जा रहे हैं नानी के घर देने, और चलते हैं नानी के घर और आप लोगों को भी लेके चलते हैं। फिलहाल पहुंच गए हैं मामा के यहाँ और नाना है हमारे महादेव जी, बट नीचे कोई है नहीं, देखते हैं ऊपर। तो ये प्रसाद रहा, यहाँ नानी है, नाना है, प्रणाम। प्रसाद विंध्याचल का। अभी निकल लिए मामा के घर से और अब चल रहे हैं रूम पे। टाइम हो गया है 11 और 2 बजे से पेपर है फार्मेसी का, तो बस निकलेंगे। थोड़ा आज पहला दिन है तो थोड़ा टाइम लेके निकलेंगे और काफ़ी दूरी भी है, 40-50 किलोमीटर है समथिंग, तो उस हिसाब से निकलेंगे कि टाइम से पहुंच जाएंगे। और आज का मौसम भी धूप हो गई अच्छी खासी पूरी। तो अभी फिर से निकल लिए हैं पेपर देने के लिए और जा रहे हैं कॉलेज। तो 2 से 5 पेपर है और अभी 12 बज रहा है। एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ लिए हुए हैं। आज का मौसम भी बहुत बुरा हो गया, काफ़ी गर्मी हो गई, आप देखिए धूप हो गई अच्छी खासी, तो इस वजह से कार से चल रहे हैं। अदरवाइज मौसम अच्छा रहता तो बाइक से ही चलते हैं। हमारे साथ 2 लोग और हैं, गोरखपुर के रहने वाले हैं, सिटी में रह रहे थे, तो हम बोले साथ में ही चलने के लिए।
बाकी ठीक है, पहुँच के फिर मिलते हैं आप लोगों से। पहुँच गए हैं रूम पे, पेपर देकर आए और टाइम हो रहा है, 6:49। रूम पे आ गए हैं और अभी निकलना है। गोलू चाचा का जन्मदिन है, आप लोग नहीं जानते होंगे गोलू चाचा, क्योंकि ब्लॉग में दीदी के बर्थडे वाले ब्लॉग में वो थे। बाकी आज मिलवाते हैं केक वगैरह, तो वो काटते नहीं हैं। हाँ बस डिनर आज है उनके यहाँ, तो बस पानी वगैरह पी ले, चाय वगैरह पी के फिर चलते हैं उनके यहाँ। या देखते हैं ऐसे ही चलते हैं, फ़ोन कर रहे थे वो बुला रहे हैं, तो निकल रहे हैं वहाँ पे। फिर मिलते हैं अपने गोलू चाचा के यहाँ। और आज ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं, रोनी कलवी और कालू, ये लोग जान रहे हैं। अभी अभी गोलू चाचा के यहाँ से हम लोग आ रहे हैं और वहाँ वीडियो इसलिए नहीं बनाए कि अच्छा नहीं लगता, अब सभी लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। तो बस अभी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोग लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को काफ़ी अच्छे से, और बहुत सारा प्यार दो अपना। बाय।